गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को कल हमारे जो सामान्य विज्ञान है उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, इसका क्या महत्व रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि छात्र के जीवन में जो है पाठ्य पुस्तक का क्या भूमिका होती है, यानी उसमें हमने देखा था कि जो छात्र है उसके लिए पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से जरूरी है तथा उसके लिए वह कहाँ कहाँ पर उपयोगी सिद्ध होती है। आज हम देखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कि वह शिक्षक के लिए क्यों।
क्या महत्व है, क्या महत्व है तथा पाठ्यपुस्तक के प्रारूप को समझाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात